वर्षा रानी जी हैं पहली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई जी। जय हिंद, स्वागत वर्षा जी आपका बहुत बहुत। भाई जी मैं आपको बड़ी दिन से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना सांस की प्रॉब्लम थी, तो आपने बोला था कि जैतून का सिरका आपने नहीं पीना, खट्टा होता है, तो मैं तो उसको शक्कर मिला के लेती थी, तब भी आपने बोला जैतून का नमक मंगा लीजिए। अब उसको मैं 5-6 चीजें जो है सौंफ, अजवाइन, मिर्ची वगैरह इसमें मिला के लें, तो उसके लिए मैंने तो मंगा तो लिया है जैतून का नमक, और वो मैं ले भी जाई हूँ, 10 दिन हो गया मुझे ले रहे हुए। साथ में मैं गोंद मरिंगा भी ले रही हूँ, एक टाइम गोंद मरिंगा ले रही हूँ, एक सुबह खाली पेट में जैतून का नमक ले रही हूँ। तो सर जी भाई साहब मेरे को ना पेट में ना मेरे कलेजे के ऊपर भारी भारी सा रहता है, और पेट जो है ना गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पता नहीं क्यों, कभी गैस को चढ़ जाती है, कभी पेट में रह जाती है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, और मेरे को ये बीमारी 16 साल से 17 साल से। मैं एलोपैथिक दवाइयां कैप्सूल खाए बिना मैं रोटी नहीं खा सकती, अब तंग आ गई इन दवाइयों से भी, एलोपैथिक दवाइयों से अब खाई नहीं जाती है, मेरे से भी असर भी निकल रही है कुछ। दूसरा मेरा सवाल है सर जी, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, ना तो मेरे को रेशा है, ना खांसी है, ना जुकाम है, फिर इसका मैं कौन सा इलाज करूं? और तीसरा सवाल है मेरा सर जी, मेरे ना पाँव के अंगूठा जो है ना उसके साथ वाले और हाथ के अंगूठे के दाएं साइड की उंगली जो है ना, ये दोनों उंगलियां जो सुन रहती है, पाँव की भी हाथों की भी, ये 2 साथ से है, और मैं 1 साथ से जैतून का काला गोंद भी ले रही हूँ मैं 1 साथ से। अभी परसों फिर आ गया, मैंने काला गोंद और मंगवा लिया है, अभी वो उसकी मैंने पीसा नहीं है, आज पीसने लगी हूँ, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? अब सबसे ज्यादा पेट की प्रॉब्लम है मुझे, एक टाइम में पेट साफ नहीं होता है। ठीक है मैम। हाँ देखिए, ये जो 6 चीजों का पाउडर आप लेते हैं, इसमें 7 चीजें कर लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और इसमें अलसी भी मिला लीजिए 100 ग्राम, जो 100 ग्राम का नुस्खा हो तो 100-100 ग्राम सब मिला लीजिए, और तब खाइए ये चूर्ण नमक जैतून के पानी से 1 चुटकी, और दिन में 1 बार कभी भी एक चुटकी दिन में एक बार कभी भी एक चुटकी खाने का सोडा भी इसमें पानी में मिलाकर ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, और एक दिन में एक बार अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के 1 बार पी लिया करिए। ये बहुत पुराना रोग है, और ये हम जो एलोपैथिक दवाएं खाते हैं इनका यही परेशानी है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते आसानी से, इतने तेज़ असर हैं, और वो कहीं हमारे आंतों में, मैदे में अगर खुश कर देते हैं ये उसको, और वो खुश्की फिर जाती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जाती है। तो खुश्की दूर करने के लिए मैंने आपको बताया, अरंडी का तेल 1 चम्मच दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के पी लिया करें, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो सकती है। हाथ की उंगलियां और पैर की उंगली सुन होती हैं, कौन सी आप ले रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करिए गर्दन की, ऐसे पूरी तरह उसको मोड़िए, ये 3 मिनट एक्सरसाइज करें, और 3 मिनट ये रोज किया करिए, और 15 दिन से पहले इसे रोकिए मत, 15 दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आना चाहिए, ये एक्सरसाइज भी करें, दवाई भी लें, और पेट का मसला थोड़ा देर में फ़ायदा होगा, और ऐसे सीधी खड़ी हो जाइए, आप अपने पैर ऐसे जोड़ लें, पैर ऐसे जोड़ लें और सीधी खड़ी हो जाएं, पैर जुड़े हों, घुटने भी जुड़े हों, और बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छुआ करिए दिन में 2-4 बार 6 बार, बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश कीजिए, चाहे छुए जाएं या नहीं छुए जाएं, लेकिन इस
अमल से आपकी जो नसें दब रही हैं यहाँ कमर में, वो वहाँ से निकलेंगी तो आपकी पैर की तकलीफ भी जाना मुमकिन है। पहले कॉलर हैं गुड़गांव से सतीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। आदाब जी। आदाब सतीश साहब, आपका स्वागत बहुत बहुत। सर मैं आपकी दवाइयाँ 2 साल से काफी यूज कर रहा हूँ, सिरका जैतून का, एलोवेरा का सिरका, नमक जैतून, काला गौन मोरिंगा और आर केयर। मेरे को 1 महीने से ना शरीर में खुजली बहुत हो रही है, कमर में, पेट पे कल के निशान पड़ जा रहे हैं, हाथों में, पैरों में। ठीक है। अच्छा देखिए, अलसी आप जानते हैं, अलसी को खरीद लें 200-300 ग्राम और उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। ठीक है। अब इस अलसी का 1/2 चम्मच खा लीजिए और इस अलसी में 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर, 1 चुटकी या 1/2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। शिखा सक्सेना है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। मेरा फोन लग रहा है। शिखा जी। हाँ जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद शिखा जी। डॉक्टर मेरे 4 क्वेश्चन है। पहला है कि मेरे पेट में गैस बहुत बढ़ती है, और दूसरा है कि मेरे हस्बैंड के दोनों कंधों पे बहुत दर्द रहता है, और एक मेरा ये खुजली बहुत है पैरों में, और एक मुझे कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा की शिकायत हो ऐसी होने लगी कुछ कुछ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 साल है। ठीक है। एक तो खुजली है आपको और एक सांस में प्रॉब्लम है, और ये उम्र जो है 65 साल की उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है, यहाँ बीमारियाँ आती हैं। ये इस उम्र में कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होता है और दिल की रगों में चर्बी भर जाती है और खून पूरी तरह से पास नहीं हो पाता, तो सांस फूलने की शिकायत होती है, सीना भारी भारी रहता है, अस्थमा सा लगता है, पैदल चलो तो सांस फूलता है, और कोलेस्ट्रॉल की भी इसमें ही शिकायत होती है इस उम्र में, और दिल की कोई भी बीमारी शुरू हो सकती है। तो एक बहुत आसान नुस्खा है ये आपकी तीनों बीमारियों के लिए, एक ही नुस्खा काफ़ी है। खाने का सोडा 1 चुटकी में जितना आ जाए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने का सोडा 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी नमक जैतून, असली जैतून का नमक, ये असली लेना क्योंकि इसमें नकली बहुत आते हैं। ये नमक एक विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन इसे नमक जैतून कहते हैं। ये भी 1 चुटकी पानी में मिला दें और ये पानी रोज़ाना दिन में 2 बार पी लिया करें, तो आपकी ये सारी समस्याएं में फ़ायदा होना मुमकिन है जी। आपके पति को कंधों में दर्द है, तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ और एक दवा बता रहा हूँ, हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े, एक्सरसाइज अगर वो ठीक से कर लें। देखिए ऐसे बैठे मेरी तरह और ये ठोड़ी ऐसे मोड़ दें, देखिए ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ कंधे तक ऐसे, एक तो ये एक्सरसाइज करें, फिर ऐसे बैठे और ये कान कंधे से लगाएं, ये आप 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज करें रोज़ाना,
मुझे मालूम है कि ये लगातार 3 मिनट कोई नहीं कर पाता, तो एक एक मिनट करके 3 बार में 3 मिनट, एक एक मिनट करके 3 बार में 3 मिनट दूसरी एक्सरसाइज भी कर लें। हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े और आप बगैर दवा के अच्छे हो जाएं, आपके पति देव। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो एक आता है गोंद सियाह, असली लें, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी या दूध से खाने के पश्चात, खाने के बाद खिला दिया करें, उनको भी फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम, मुझे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया। ब्लीडिंग हो रही है, मेरा टेस्ट कराया तो रक्तदानी फैली हुई आई है और मेरी उसने बता दी। और क्या बताएं? 6 mm की। हाँ हाँ ठीक है, रसौली बता रही हूँ। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। जैतून का सिरका मंगा रही हूँ पहले आपके यहाँ से, उसकी क्या नॉर्मल आज भी नहीं है सिरका में? ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। 36 साल, ठीक है जी। तो जैतून का सिरका नॉर्मल आदमी भी ले सकता है, अगर वो ये चाहे कि उनको 6-7 रोग ना हो तो नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए। ये एक तो ये ब्लड प्रेशर नहीं होने देता, एक कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, एक हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता, एक ब्रेन हैमरेज नहीं होने देता और एक डायबिटीज नहीं होने देता। बहुत सारे रोग ये होने नहीं देता, तो नॉर्मल आदमी भी ले तो ये सारे रोग नहीं होते। ये 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी मिलाकर दिन भर में 1 बार या 2 बार लिया जाता है, और अगर इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला लिया जाए तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और देखिए, बच्चेदानी में ऐसी गांठें अधिकतर महिलाओं के होती हैं और वो हिस्सा फैल भी जाता है, सूज भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा फिक्र ना करें। एक नुस्खा इसके लिए बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। एक आता है गोंद चिलगोज़ा, ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा। इसको असली खरीदें, नकली भी आने लगा है ये, और इसका पाउडर बना लें, काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खाना है एक दिन में, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। और खाना है एक चुटकी नमक, खाना है एक चुटकी खाने का सोडा, जो है आप जानते ही हैं कि आपके किचन में मौजूद रहता है हर किचन में, वो 1 गिलास पानी में मिला लें, और इस पानी से 1 चुटकी चिलगोज़ा खाकर ये पानी पी लें। 1 बार ज़रूर पिए, बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। प्रवीण जी हैं विकास नगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते, बात हो रही है विकास जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार, सर हमारी वाइफ की उम्र 54 साल है सर, उन्होंने उनका और शोली का ऑपरेशन हुआ है 7 साल पहले, उनका वजन बढ़ कर के दिया और वजन कम नहीं होता और कमर में दर्द रहता है और क्या बोलते हैं घुटने में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द रहता है और पैरों में दर्द रहता है सर। ठीक है, आधे सर के दर्द के लिए ऐसे बैठे और ये देखिए, अगर आपकी पत्नी देख रही है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये एक्सरसाइज करती रहे दिन में, कम से कम 3 मिनट हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऐसे पूरी तरह ऐसे मोड़, मैं यहाँ तक ले आता हूँ ठोड़ी को, देखिए ऐसे
और ऐसे, तो ये भी 3 मिनट एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज 3 मिनट किया करें। और उनकी बाकी बीमारियों के लिए गोंद स्याह यानी काला गोंद, मुश्किल ये है कि नकली बहुत मिलता है, असली खरीद लें किसी तरह। और ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, काफ़ी तेज़ होता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी से दे दें। बाकी उनकी सारी तकलीफ़ों के लिए ये काफ़ी है। 2-4 दिन इंतज़ार करना, 2-4 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है। और ये 100 ग्राम भी आपको अगर असली मिल गया तो उनको सारे जो दर्द हैं उनको उसमें फ़ायदा होना मुमकिन है।